रात 3 बजे से सुबह 10 बजे तक किसी का जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है उसका किसी को जरूरत नहीं पड़ा। यही एक हमारा सत्यना दिया मन में। हमारा एक लड़की चला गया, इतना क्रोर लड़का लड़की मेरा साथ आ गया। यही मैं इसको उसने मेरा हिम्मत बहुत बढ़ा दिया। उसका दिक्कत था कॉलेज पूरा डिपार्टमेंट, इसलिए डिपार्टमेंट को हम बोला है डिपार्टमेंट पूरा सक्सेस में है। मेरा लड़की ड्यूटी में गया था 8:10 से घर से निकले, उसको ओपीडी था हॉस्पिटल में, ओपीडी करके रात डाउन देना था, देना हो स्पॉट पर है। वो 5-6 बज जाता है निकल का काम करने के लिए। 5 बजे माँ के साथ बात हुआ था, फिर 11:15 का टाइम में भी माँ से बात हुआ था। वो बोला जी हम लोगों का 4 आदमी का खाना आया है, हम लोग खाना खा रहा है, आप लोग खाना खा के सो जाइए। वो ऐसे ही बात होता था। सुबह में हम घर में नहीं था, हम काम में था। वो लड़की मेरा माँ को उठकर माँ को फ़ोन किया था, माँ बार बार फ़ोन कर रहे थे, फोन रिंग हो रहा था, लेकिन कोई उस टाइम तो मेरा लड़की गुजर ही गया है। हमको सबसे अच्छा सबसे दिक्कत का प्रश्न यह है कि रात 3 बजे से सुबह 10 बजे तक किसी का जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है उसका किसी को जरूरत नहीं पड़ा। यही एक हमारा सत्यन आ गया मन में। सीबीआई ने आरजी कौर का सुपर का अरेस्ट किया, इस बारे में क्या इस बारे में तो कुछ नहीं बोलेंगे। आज जो विचाराधीन विषय है इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। जो कार्यवाही चल रही है कि आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, उसके बारे में हम क्या बोलेंगे, हम क्या जानते हैं उसके बारे में। वो लोग जो अच्छे समझते हैं वही करेंगे। और सर जो उसके बाद हमने देखा कि नेशन वाइड इंटरनेशनली इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं हर जगह, यहाँ पर भी महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया है, उसके बाद जो वैंडलिज्म हुआ है, क्या उसके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? जो जो रास्ते में जितना आदमी है वो मेरा लड़का लड़की समान है। हमको लगता है वो मेरा लड़का लड़की बन गया। अभी हमारा एक लड़की चला गया, इतना क्रोर लड़का लड़की मेरा साथ आ गया। यही मैं इसको उसने मेरा हिम्मत बहुत बढ़ा दिया। हमको इसलिए लगता है कुछ ना कुछ मिलेगा हमको। बिल्कुल सर, वो तो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इंटरनेशनली से मैं खुद नेशनली आई हूँ, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो जस्टिस की मांग है, ये हर जगह चली गई है, हर कोई सड़क पे। मैं खुद यहाँ बंगाल की बेटी हूँ जो नोएडा से आई है इंसाफ दिलाने के लिए। सर अगर आप और कुछ कहना चाहें इस बारे क्या बोलूँ उसके बोलिए आपको। हमका मन में कोई प्रश्न नहीं है, आप कुछ बोलेंगे जो आएंगे दिल में वो बोल देंगे। सर कभी आपकी बेटी ने ये कहा, शिकायत की कि कॉलेज में उन्हें कोई दिक्कत? थोड़ा उसका दिक्कत था कॉलेज में पूरा डिपार्टमेंट, इसलिए डिपार्टमेंट को हम बोला है डिपार्टमेंट पूरा सस्पेक्ट में है। हम क्या बोला, 7 घंटा से लड़की का ऑन ड्यूटी ऑन कॉल में डॉक्टर है, उसको 7 घंटा में किसी का जरूरत नहीं पड़ा। कभी कभी दिन में ऐसा होता है उसको खाना नहीं मिल, खाना खाने का टाइम नहीं मिलता है। हमने नेशनली भी देखा है कि डॉक्टर्स की जो स्थिति है भारत में वो काफी खराब है, उन्हें काफी ओवर टाइम भी करना पड़ता है। और नीट के एग्जाम जो इतनी कठिन एग्जाम होती है, वो सब कुछ देखकर जब एक डॉक्टर बनता है और उनके वर्क प्लेस में ऐसा कुछ होता है, क्या यूजुअली आपकी बेटी को 36 आवर्स की ड्यूटी ही मिलती थी नाइट शिफ्ट? सप्ताह में एक दिन तो मिलता था, फिर महीने में एक्स्ट्रा एक दिन होता है। महीने में 5 तो ऐसे ड्यूटी मिलता था। उस दिन जो इंटर्न था 3-4 दिन टाना ड्यूटी मिल जाता है। एक डॉक्टर कैसे ट्रीटमेंट कर सकता है, उसको दिमाग ठंडा रख के उसको थोड़ा गलती चलेगा नहीं, 100% करेक्ट सब करना पड़ेगा, कैसे करता है वो तो लोग जानता है। उस दिन से उसका दिमाग इतना ठंडा था उस लोगों का। कुछ दिन से दिखाई जा रहा है जब पूरा हॉस्पिटल बंद है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो जो लड़का लड़की ये सब कर रहा है हम उसके साथ है, वो मूल रूप उनका कॉलीग और मेरा बेटी समान है सब। मेरा बेटी का कुछ आत्मीय में शांति मिले, उसका भी कोई प्रोटेस्ट मिले, इसलिए कर रहा है। आरजी कौर हॉस्पिटल में जो भंगचूर हुआ है इसके बारे में कुछ हम नहीं जानता है, हम कुछ नहीं बता। ममता बनर्जी आज भी बोला है कि मैंने 1 हफ्ता टाइम मांगा था, इससे पहले सीबीआई को दे दिया गया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए हम लोग का लगा कि सोचे कि हमें देना चाहिए, इसलिए हमने देना है दे दिया। और क्या बस सीबीआई से और बात हुई है क्या? एक दिन बात हुआ, ताला आया था। क्या बोला जी? वो सब बोला जो इसका विचाराधीन विषय, ये बोलने का बाहर में अच्छा नहीं है, बोलने का माना भी है।